शिवाय। अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष शनिवार चतुर्थी तिथि दिन भर लगी रहेगी। चंद्रमा आज भी पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में सुबह 9:45 बजे तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्य देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर लंबे शरीर वाले, सुखी सात्विक गुणों वाले और धनी होते हैं। ऐसे जातक दानी दयालु प्रवृत्ति वाले, ऐश्वर्यशाली और स्वाभिमानी होते हैं। ये आकर्षक व्यक्तित्व वाले घर और समाज में मुख्य भूमिका निभाने वाले, अध्ययनशील, कानून का आदर करने वाले और सरकारी क्षेत्रों से लाभ पाने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शनि और सूर्य की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज दोपहर 3:30 बजे तक धनु राशि में ही चलते रहेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके राशि स्वामी शनि देव हैं। मेष राशि के जातक आज के दिन कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे और संबंधित कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आज केतु, मंगल और चंद्रमा तीनों आपके 10वें घर में विराजमान हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा स्तर आपके हर काम को सफल बनाएंगे। पत्नी की प्रेरणा और सलाह से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और लाभ मिलेगा, मगर थोड़ी मानसिक उलझन बनी रह सकती है। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल होगा। कार्य क्षेत्र में पूंजी निवेश का योग चल रहा है। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र की व्यस्तता और अपने बुद्धि कौशल के इस्तेमाल से सफलता में व्यतीत होगा। रचनात्मक सक्रियता से लाभ मिलेगा। व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। नए व्यावसायिक योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। पारिवारिक मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। साथ ही पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक सफलता और अधिकारियों की प्रेरणा से कार्य सिद्धि का दौर चल रहा है। नई योजनाओं को कार्य रूप में बदलने का समय अनुकूल है। आपकी योजनाएं लाभदायक परिस्थितियों में बनी रहेंगी। नई योजनाओं की साझेदारी सफल रहेगी। संबंधित कार्यों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रबल आत्मविश्वास और मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उन्नति और लाभ के मौके मिलेंगे। कुछ मामलों में पुरानी दिक्कतों की पुनरावृत्ति संभावित है, मगर समस्याओं का समाधान करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक तनाव की स्थिति शाम तक अनुकूल हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन असमंजस भरा रहेगा। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी, मगर पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक सोच दोनों प्रभावित रहेगी। दोपहर बाद चंद्रमा, मंगल और केतु की युति 6वें भाव में कायम हो जाएगी। कामों में अड़चन, रुकावट और मानसिक अंतर्द्वंद का संकेत मिलता है, इसलिए आज संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिर भी पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। नई योजनाओं के लिए आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर सहायक सिद्ध होगा। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मन मुताबिक उत्साह बना रहेगा। कन्या राशि के जातकों का आत्मविश्वास, ऊर्जा स्तर और व्यावसायिक दृष्टिकोण कार्य क्षेत्र के प्रति केंद्रित रहेगा। आपके सहयोगी ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं, जिससे कार्य योजनाओं के उचित प्रबंधन की देखरेख और विस्तार में सफलता मिलेगी। हालांकि माँ के स्वास्थ्य की चिंता और पारिवारिक दबाव महसूस करेंगे। आपकी व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी और नए निवेश का प्रस्ताव मिल सकता है। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है। मित्रों का सहयोग मिलेगा और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी।
तुला राशि के जातकों को पारिवारिक सहयोग और सामाजिक प्रेरणा मिलती रहेगी। भूमि, मकान या वाहन संबंधी मामलों का योग चल रहा है। नई योजनाओं के प्रस्ताव लाभदायक होंगे। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। रुकी हुई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है, मगर कुछ कामों में रुकावट या अड़चन की संभावना भी बनती है। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों की दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास कार्य क्षेत्र के प्रति केंद्रित रहेगा और विभागीय कामों में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। आपके उत्साह आर्थिक लाभ को गति देंगे। धन संबंधी लेन देन में सावधानी रखनी होगी। साझेदारी आज के लिए उचित नहीं होगी। मंगल और केतु के साथ चंद्रमा के होने से मन का अंतर्द्वंद परेशान करेगा और नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है। वाहन सावधानी से चलाएं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। जटिलताएं संभावित हैं। धनु राशि के जातकों की सकारात्मक ऊर्जा हर काम को सफल बनाने के लिए सक्षम होगी। मेहनत करने की प्रवृत्ति और दृढ़ विश्वास बढ़ा रहेगा। अपनी आंतरिक ऊर्जा को बनाए रखें, मगर वाणी की तीव्रता और प्रखरता में लचीलापन लाना उचित होगा। आर्थिक लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे और सरकारी कामकाज में सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। मकर राशि के जातकों के लिए आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मंगल, केतु और चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही चल रहे हैं। ऊर्जा स्तर, दृढ़ विश्वास और काम करने की क्षमता में अभूतपूर्व विकास होगा। अच्छे और शुभ काम का संयोग बना हुआ है। व्यवहारिक पक्ष सक्रिय रहेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातक अपने बुद्धि कौशल का परिचय देंगे और सकारात्मक दृढ़ विश्वास बना रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी होगी। मौसम संबंधी समस्याएं संभावित हैं। मानसिक तनाव और अनावश्यक खर्च हो सकता है, मगर व्यवसाय की योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। वाद विवाद संबंधित मामलों में शांति बनाए रखें। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और धार्मिक यात्राएं संभावित हैं। मीन राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र से सुकून मिलेगा। चंद्रमा के सूर्य के नक्षत्र में होने से आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, मगर मन गुप्त शत्रुओं से सशंकित रहेगा। हालांकि अपने ऊपर आलस्य और नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। योजनाओं के विकास की दर और आर्थिक लाभ में उतार चढ़ाव की पूर्ति करने की कोशिश करें। जोखिम भरा आर्थिक निर्णय उचित नहीं होगा, मगर आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।